अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं धूम प्लस न्यूज HD और मैं हूँ सादिया बतौर। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद और चिन्योट रोड की दोबारा तामीर की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब बड़े भाई के जुल्म और सितम तमाम जायदाद पर नाजायज कब्जे के खिलाफ तलत हुसैन वल्द मजीदुर रहमान डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब पर अपनी फरियाद ले आया और रो रोकर वालिदैन जायदाद का आठ भाइयों के हिस्से पर काबिज बड़े भाई के जुल्म की फरियाद सुनाई। कराची ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और हमख्याल जमातों का अरसा एक्ट में तरमीम और सिंध के पानी के हकूक छीनने के खिलाफ फंक्शनल हाउस कल्फ्टन में इजलास। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट थाना इकबाल मार्केट SHO असलम खान की पुलिस के हमराह खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई। हाउस रॉबरी की वारदातों में मुलविस पांच रुकनी डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची में गुलबर्ग अपवा कॉलेज के करीब से पुलिस की वर्दी पहनकर वारदातें करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। जश्न विलादत हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में अमन कमेटी के रहनुमाओं ने असिस्टेंट कमिश्नर डिग्री अख्तर अली लाशारी से मुलाकात की। कोटरी सिटी आस्थाना दीवान हजूरी के सरपरस्ती आला मारूफ दीनी स्कॉलर मुफकर हजरत पीर दिलदार शाह की पाकिस्तान से बरतानिया आमद पर कोटरी सिटी के मुकामी कम्युनिटी ने उन्हें खुश आमदीद कहते हुए फूलों के गुलदस्ते पेश किए। कोरंगी पीपल्स पार्टी के हम सबसे पुराने और मेहनतकश कारकुन रहे हैं वकील शेख। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकील अहमद शेख की सदारत में प्रोग्राम मेहरान टाउन में किया गया। फिल वक्त के लिए न्यूज स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए धूम प्लस न्यूज HD।